वेलकम अगेन इन ओजीआई वीडियो क्लासेस। नाउ वी डिस्कस ऑर्डर्ड पेयर। लेट्स सी ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट्स या दो एलिमेंट्स से मिलकर एक ऐसा पेयर जो एक ही फिक्स्ड ऑर्डर में हो, वो आपके क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। हिंदी में इसको क्रमित युग्म बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आपके पास कोई A1 V1 है और A2 V2 है। तब A1 यदि A2 के बराबर होगा और V1 B2 होगा, तब आपके ये जो पेयर बन के आए हैं ये आपके होंगे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जैसे कि A, B बराबर 2, 3। ठीक, A, B बराबर 2, 3। तो यहाँ पर आपको क्या, ये क्या है आपका A1 कंसीडर करेंगे, इसको क्या करेंगे V1, और इसको A2 और इसको V2। देन A1 अब आपका क्या है, A1 बराबर A2 के बराबर है, तो A1 में क्या वैल्यू है आपकी, A1 में वैल्यू हमारी क्या है 2, A1 में 2, और V1 में क्या है, V1 में क्या है आपकी 3। इन द सेंस A बराबर आपकी वैल्यू आ गई 2 और V बराबर आ गई आपकी 3। यानी कि आपके ऑर्डर पेयर में आपके यहाँ पर A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 3 है। तो यानी कि आपको क्या हो गया, A1 बराबर A2 के बराबर हो गया, A1 बराबर A2 के, और V1 बराबर B2 के। इस तरह के जो भी पेयर बनेंगे वो आपके क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे। ठीक है, अब हम डेफिनेशन की ओर चलते हैं। एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इज अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। जैसे कि मैंने बताया कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट या दो एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ ऐसा पेयर जो कि एक फिक्स्ड ऑर्डर में हो। जैसे कि इफ ए एंड बी एनी टू सेट्स, देन एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब है पेयर ऑफ A, B का बनेगा। देन आपका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ए जो सेट होगा सबसेट होगा आप ए का, और स्मॉल बी सबसेट होगा आपका कैपिटल बी का। जहां पर आपका कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी हो जाएगा आपका स्मॉल बी, तब ऑर्डर पेयर आपके निकल के आएंगे स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। क्योंकि आपका क्या होना चाहिए, A1 इज इक्वल टू A2 और B1 इज इक्वल टू B2 के बराबर। तो हम लोग ऑर्डर पेयर के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इनके अनुसार हम देखेंगे कि हमको कैसे x y की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 3x x + y इज इक्वल टू 6, 3। ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला एलिमेंट्स है ये क्या है आपका A1, ये सेकेंड एलिमेंट है आपका B1 इक्वल्स के इधर आपका A2 और सेकेंड वाला B2। अब हमको क्या करना है, ऑर्डर पेयर में क्या होता है, A1 इज इक्वल टू A2 होता है। तो A1 आपका कितना है, पहला आपको 3x, A1 इज इक्वल टू कितना होता है A2, A1 में कितना आपका 3x, A2 में कितना आपका दे रखा है 6। ठीक, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 6/3, यानी कि 2। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, V1 बराबर V2 में हमारे पास क्या है x + y, यहाँ B1 की जगह पर रख देंगे और B2 के स्थान पर V2 की वैल्यू क्या है 3। नाउ अब x + y बराबर आपके पास 3 आ गया है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2, 2+y बराबर 3। यहाँ से हम y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, y बराबर 3, ये आपको इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसके सोल्यूशन पे, सेकंड नंबर पे x - y बराबर आपका है 4, x + y बराबर है 3। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, प्लस माइनस के आपके कट जाते हैं, प्लस और माइनस आपके कट जाते हैं। अगर यहाँ पर माइनस होता और यहाँ भी माइनस होता तब हम क्या करते, चिन्हों को चेंज कर देते, लेकिन यहाँ पर हम पहले से दे रखा है एक माइनस और एक प्लस, ऑलवेज निगलेक्ट हो जाएंगे।
सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ में आपके पास क्या है, x माइनस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई बराबर 4, 3, ये है आपके पास। हमें क्या निकलना है, ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग a1 इक्वल टू a2 के अकॉर्डिंग। तो हम लोग x माइनस वाई बराबर 4, इक्वेशन वन, यहाँ पर आपका क्या हुआ, x माइनस वाई बराबर 4, इक्वेशन वन बना लेंगे एक, और सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे हम लोग x प्लस वाई बराबर 3, सेकेंड इक्वेशन। अब समीकरण एक से समीकरण दो को जोड़ने पर इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे लोग, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तब क्या होगा, तब x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर आपका जो 3 है, इनको हम लोग क्या करेंगे, समीकरणों को जोड़ने पर, ऐड करने पर, तब ऐड करने पर क्या होता है, आपके जो माइनस और प्लस वाले जो आपके सिंबल्स हों या नंबर्स हों, कुछ भी सिंबल हों या नंबर्स हों, कोई भी एलिमेंट्स होता है वो आपका क्या होता है, निगलेक्ट हो जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग, वाई वाई को कटआउट कर देंगे। अब x और x, आपके पास कितने x हैं, एक 1x, एक 1x, 1 और 1 2, क्या हो जाएगा 2x बराबर में 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 बाई 2। ठीक, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या y की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से हम किसी भी इक्वेशन में डाल लें, फर्स्ट में डाल लें या सेकेंड से कर लें, हम लोग सेकेंड इक्वेशन से करते हैं। समीकरण दो में x का मान, मान यानी कि वैल्यू, मान रखने पर, ठीक है, अब हम इसमें क्या करें, वैल्यू में x प्लस वाई बराबर 3, x की वैल्यू को हम लोग इनपुट कराएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, y बराबर 3 माइनस x, y बराबर 3, ये आपका प्लस का x है, इक्वल की उधर जाने पर इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, y बराबर 3 माइनस x, तो y बराबर 3 माइनस x की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, कितनी आई है, 7 बाई 2, तो y बराबर 2 का मल्टीपल 3 में होता है, 2, 3 या 6, और जितना मल्टीपल आएगा उसमें से इसको माइनस करना होगा, तो आपका हो जाएगा 6 माइनस 7 अपॉन 2, यानी कि 7 और 6 में से माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 बाई 2। बट एक चीज़ देखनी है हम लोगों को, जिसका साइन मैक्सिमम होगा उसी का साइन आएगा, यहाँ पर माइनस का 7 है, यानी कि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो माइनस का 1 बाई 2, 7 में से 6 गया 1, नीचे 2, चूँकि माइनस की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन प्लस, यानी कि माइनस की वैल्यू आपकी प्लस से ज़्यादा है, तो माइनस 1 बाई 2, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 7 बाई 2, y की वैल्यू 1 बाई 2। लास्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन नंबर 3, 2x+3, 15 = 6, 5x+2y। अब हम लोग क्या करेंगे, a1 a2 करेंगे, इसको हमने a1 ले लिया, इसको b1, ये आपका हो जाएगा इक्वल के इधर a2, और ये पूरा टर्म्स हो जाएगा b2, ठीक है। नाउ a1 इज इक्वल टू a2 रखते हैं, a1 बराबर a2 के अनुसार, a1 में क्या है आपका 2x+3, a2 में क्या है 6, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, 2x = 6, प्लस का इक्वल के इधर जाने पर माइनस का हो जाएगा, तो 2x = 6 में से माइनस गया 3, और x बराबर आपका हो जाएगा 3 अपॉन में 2, मल्टीपल में कोई वैल्यू होती वो इक्वल्स इधर आने पर आपकी डिवाइड में चली जाती, तो x की वैल्यू 3 बाई 2। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से a1 बराबर a2 हो गया, अब b1 = b2, b1 में क्या है आपका 15, और b2 में क्या है 5x+2y, इसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं 5x+2y आसान बनाने के लिए, बराबर 15, कांस्टेंट वैल्यू इधर ले आएंगे इक्वल के इधर, ठीक। अब क्या है 5x+2y = 15, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा आपका 15, 2y बराबर क्या हो जाएगा 15, और प्लस का ये 5x, तो इक्वल के इधर जाने पर माइनस का 5x, ठीक है, तो 2y = 15 - 5, x की वैल्यू कितनी है
थ्री बाई टू, और देखो ये मल्टीपल में है तो मल्टीपल मल्टीपल का साइन 3/2, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 15 माइनस 5 3 या 15 बाई टू।